नमस्कार। 500 प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों के पद होंगे खत्म। आइए जानते क्या है खबर। आपसे निवेदन है कि यदि आपने शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मथुरा जनपद में प्राइमरी विद्यालयों के 500 से अधिक प्रधान अध्यापकों के पद अब खत्म होने जा रहे हैं। एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के संविलियन का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे यह सभी विद्यालय जूनियर में परिवर्तित हो जाएंगे। चुनाव दौरान इस प्रक्रिया को रोक दिया गया था, यानी चुनाव चल रहा था इस कारण यह प्रक्रिया रुकी हुई थी। राज्य सरकार ने पिछले साल एक ही परिसर में जो परिषदीय और प्राइमरी जूनियर विद्यालयों को एक ही प्रधान अध्यापक के अधीन संचालित करने के आदेश दिए थे। इस प्रक्रिया को वर्तमान शैक्षिक सत्र में अमल में लाना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण शिक्षकों की आपत्ति के बाद डीएम ने इस प्रक्रिया को रोक दिया था। यहां चुनाव खत्म होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर जो हैं उन्होंने एक ही परिसर में प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों के संविलियन के आदेश दिए हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों को ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार करने या करते हुए वरिष्ठता के आधार पर प्रधान अध्यापक का चयन करने को कहा है। इस प्रक्रिया में जनपद के 500 से अधिक प्राथमिक जो विद्यालय हैं अब जूनियर विद्यालय में विलीन होने जा रहे हैं। इस या इन विद्यालयों के प्रधान अध्यापक का पद भी समाप्त हो जाएगा। बीएसए ने यह व्यवस्था ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले ही प्रभावी करने को कहा है। तो ग्रीष्म अवकाश से पहले ही यदि एक ही परिसर में प्राथमिक और जूनियर विद्यालय चल रहे हैं तो उस पर यह प्रभावी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल प्रेजेंट टाइम एक्टिविटी LTP।